उपचुनाव में सीधी सीधी लड़ाई बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच की हो चुकी है। यूपी उपचुनाव में अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को एकदम किनारे लगा दिया। वो खुद को इंडी गठबंधन का नया हीरो प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने अपना ही माहौल बनाना शुरू कर दिया। अभी वो उपचुनाव लड़ रहे हैं लेकिन अभी से उन्होंने 2027 का माहौल बना दिया। दो दिन से अखिलेश यादव के ये पोस्टर वायरल हो रहे हैं जिसमें लिखा है 27 के सत्ताधीश। इस पोस्टर में इंडी गठबंधन गायब है, राहुल गांधी गायब है। एक तरह से अखिलेश यादव ने यह मैसेज दे दिया कि 2027 में भी वो अकेले अपने दम पर बीजेपी से टक्कर लेंगे, उन्हें राहुल गांधी की जरूरत नहीं है। यह तो इन लोगों का हाल है। राहुल गांधी इकोसिस्टम ने बना दिया उनको हीरो, हरियाणा के बाद मामला गड़बड़ा है। अब अखिलेश यादव इसी का फायदा उठाकर खुद को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ सपा अखिलेश यादव की जबरदस्त ब्रांडिंग में लगी है। समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल से अखिलेश यादव का एक वीडियो भी जारी किया गया। इस वीडियो के साथ जो लिखा है वो बड़ा अहम है। इसमें लिखा है कि पीडीए के नायक सिर्फ अखिलेश, पीडीए के नेता सिर्फ अखिलेश, पीडीए के हितैषी सिर्फ अखिलेश, हमें चाहिए कौन? सिर्फ अखिलेश, सिर्फ अखिलेश। यानी समाजवादी पार्टी तो साफ मैसेज दे रही है कि यूपी में कोई इंडी गठबंधन नहीं चलेगा बॉस, सिर्फ अखिलेश अखिलेश ही होगा। राहुल गांधी कहां जाएंगे? एक तरफ अखिलेश यादव ने कांग्रेस को साइड लगा दिया लेकिन कांग्रेस भी चुपचाप अपना खेल कर रही है। राहुल गांधी के सिपाही अब अखिलेश यादव की जड़ें खोदने में लग गए। जिस तरह से उपचुनाव में अखिलेश यादव ने कांग्रेस को बेइज्जत किया है उसका बदला लेने के लिए अंदर ही अंदर कांग्रेस के नेता उतावले हो रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। पार्टी ने जिस तरह से उपचुनाव में सरेंडर किया है वो यूपी कांग्रेस के नेताओं को रास नहीं आ रहा। कांग्रेस से टिकट की उम्मीद लगाए नेता तो अब निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए उतर गए। प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुरेश यादव ने निर्दलीय नामांकन भर दिया। सुरेश यादव ने प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और यूपी के प्रभारी अविनाश पांडे पर सीट बेचने और बीजेपी से मिलीभगत का आरोप लगाया। सुरेश यादव का दावा है कि अखिलेश यादव फूलपुर की सीट कांग्रेस पार्टी को देने को तैयार थे लेकिन अजय राय और अविनाश पांडे ने ऐसा होने नहीं दिया। सुरेश यादव चाहते हैं कि ऐसे नेताओं पर कार्रवाई हो और कांग्रेस उन्हें चुनाव लड़ने के लिए सिंबल दे। सुरेश यादव को प्रियंका वाड्रा का बेहद करीबी भी माना जाता है। साफ है कि फूलपुर सीट पर कांग्रेस के बागी बीजेपी से ज्यादा अखिलेश यादव का खेल बिगाड़ेंगे। सुरेश यादव ने नामांकन भरा तो उन पर एक्शन हो गया, पार्टी ने उन्हें पद से हटा दिया। एक बार सुनिए सुरेश यादव क्या कह रहे, फिर आगे की बात बताता हूं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हो, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हो, सारे लोगों ने मन बना के बात कर रहा था। सभी लोगों ने फूलपुर की कार्यकर्ता एक एक जनमानस कर रहा था। वहाँ पर सुरेश यादव टिकट मिल रहा है, सुरेश यादव चुनाव लड़ेंगे। इन लोगों ने एक साजिश के तहत, किसने साजिश किया? प्रदेश का नेतृत्व पूरी तरह से साजिश किया। आप लोग देख रहे हो जिस तरीके से एक साजिश के तहत टिकट आने के बावजूद भी इन लोगों ने पूरी पार्टी को सिलेंडर कर दिया। ये देश के इतिहास में, उत्तर प्रदेश में देश के इतिहास में पहली घटना है जिस तरीके से पार्टी ने पूरी तरह सिलेंडर कर दिया। चुनाव में नहीं लड़ूंगा। अब कई लोग ये भी पूछ रहे हैं कि अपनी पार्टी के खिलाफ जो बोल रहे हैं सुरेश यादव, क्या ये जानबूझकर बोल रहे हैं ताकि माहौल ये बने कि भाई कांग्रेस ने खड़ा नहीं किया है और इन पर एक्शन भी किया यही दिखाने के लिए हो रहा है? लेकिन गेम तो बिगड़ेगा ना भाई अखिलेश यादव का। तो चर्चा होने लगी है कि क्या कांग्रेस इसीलिए, तो जो बेइज्जती हुई कि दो सीट दे रहे हैं लेना है तो लो नहीं तो जाओ वाला हिसाब रहा, कांग्रेस अब अखिलेश यादव को डैमेज करके उनको नीचे खींच के लाएगी। अखिलेश यादव के लिए एक और मुसीबत यह है कि उनकी पुश्तैनी सीट पर बीजेपी ने भी खेल किया। मैनपुरी की करहल सीट पर बीजेपी ने मुलायम परिवार के जीजा को उतार दिया और अब लड़ाई अखिलेश यादव के भतीजा बनाम अखिलेश यादव के जीजा की बन गई है। सपा से अखिलेश यादव के भतीजे और लालू प्रसाद यादव के दामाद तेज प्रताप यादव लड़ रहे हैं। बीजेपी से अनुजेश यादव मैदान में है। अनुजेश यादव मुलायम सिंह के दामाद है। सांसद धर्मेंद्र यादव की बहन संध्या यादव के पति है। अनुजेश रिश्ते में तेज प्रताप यादव के फूफा हैं। इस हिसाब से इस सीट पर भतीजा बनाम फूफा की लड़ाई चल रही है। हालांकि मुलायम परिवार अनुजेश और संध्या से पहले ही सारे रिश्ते खत्म कर चुका है, इसलिए सपा इसे पारिवारिक लड़ाई मानने से इनकार कर रही है। अखिलेश यादव इसे बीजेपी का तिकड़म बता रहे। एक बार सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कहा, फिर आपको बताऊंगा करहल सीट जीतने के लिए बीजेपी कैसे 2002 वाला दांव चल रही है। जब बीजेपी को लगा कि वो हार जाएंगे तब कोई ना कोई तिकड़म करो, कोई ना कोई तिकड़म करो, कोई ना कोई ऐसा संदेश दो जिसका समाजवादी पार्टी के लोग जवाब ही देते रहे। ये लोग तो
परिवारवाद के खिलाफ वाले लोग थे, याद करो आप, जो लोग परिवारवाद के खिलाफ थे आज रिश्तेदारवादी कैसे हो गए। करहल सीट मैनपुरी लोकसभा सीट के तहत आती, ये सीट सपा का गढ़ मानी जाती और 2022 में अखिलेश यादव यहां से जीते। साल 1993 से सपा यहां से जीतती आ रही, इसलिए यह सीट बीजेपी के लिए कठिन सीट मानी जा रही। बीजेपी को लग रहा है कि जैसे 2002 में उसने सपा के इस गढ़ में सेंधमारी की थी, वैसे ही इस बार भी कमाल हो सकता है। दरअसल साल 2002 में विधानसभा चुनाव हुए, सपा ने इससे सीट पर अनिल यादव को लड़ाया, बीजेपी ने सोबरन सिंह यादव को टिकट दिया। करहल की चुनावी लड़ाई यादव बनाम यादव की हो गई थी, सोबरन सिंह यादव सपा छोड़कर बीजेपी में आए। वो करहल सीट पर सपा की कमजोरी और ताकत दोनों अच्छे से जानते थे। मुलायम सिंह यादव ने अनिल यादव को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंक, लेकिन मुकाबला काफी टाइट रहा। बीजेपी के सोबरन यादव ने सिर्फ 1925 वोटों के बहुत कम अंतर से सीट जीतकर चमत्कार जैसा कर दिया था। सपा के लिए ही नहीं बल्कि मुलायम सिंह यादव के लिए करहल सीट की हार सियासी तौर पर बड़ा झटका थी, इसलिए मुलायम सिंह यादव ने सोबरन यादव को सपा में शामिल कराने का दाव चला और 2004 में इसमें सफल हुए। सोबरन यादव इस सीट पर 2017 तक लगातार विधानसभा का चुनाव जीतते रहे और 2022 में उन्होंने अखिलेश यादव के लिए करहल की सीट छोड़ दी। उधर यूपी उपचुनाव को लेकर बीजेपी और अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई। सुनिए कैसे केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश आपस में भिड़ गए, फिर आपको बताऊंगा अखिलेश यादव की नई टेंशन क्या है। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जीतने जा रहा है, समाजवादी पार्टी की साइकिल को जनता ने पंचर करके सैफई भेजने का मन बना लिया है। गुंडागर्दी, जातिवाद, तुष्टिकरण, यह तीनों के लिए उत्तर प्रदेश में कोई स्थान नहीं है। और श्री अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी का जो पीडीए है वह फर्जी है, पिछड़ों, दलितों, वंचितों के साथ एक धोखा है और उस धोखे का जवाब जनता देने के लिए तैयार बैठी है। कांग्रेस अंतर्राष्ट्रीय पार्टी बनती थी, सबसे पुरानी पार्टी बनती थी, गठबंधन टाइटा फिस हो गया। समाजवादी और कांग्रेस की जो रणनीति है उसी से पस्त हो गए। अगर रणनीति हमारी है तो उनके भी नेताओं के जो गठबंधन है उनके नेताओं को टिकट क्यों नहीं मिली? कौन कौन मनाने गया, कौन कौन उन्हें स्वार्थ और लालच दे रहा है? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, हम विपक्ष में हैं, हम किसी को लाभ नहीं दे सकते, हम अपनी बात कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, ये हमारी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है कि हमारे रणनीति है कि हम लोग मिल करके इस तरह लड़ रहे हैं, न केवल अभी लड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन मजबूत करेंगे और 27 में भी इनको हराने का काम करेंगे। कांग्रेस को सीट दिए नहीं, कह रहे हैं हम मिल के लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव अभी लोकसभा चुनाव की खुमारी में, उन्हें लग रहा है कि वो अकेले ही बीजेपी को पटकनी दे देंगे, लेकिन अखिलेश यादव का ये एकला चलो वाला नैरेटिव अखिलेश यादव पर भारी भी पड़ सकता है, क्योंकि अगर अखिलेश यादव हार गए तो उपचुनाव में हार की पूरी जिम्मेदारी उन पर ही आएगी। अगर वो कांग्रेस के साथ लड़ते तो ये एनडी गठबंधन की हार ज्यादा कहलाती, अखिलेश यादव हारे तो राहुल गांधी की तरह उनका कॉन्फिडेंस भी हिल जाएगा, एनडी गठबंधन में उन्हें भी वैसा ही कोसा जाएगा जैसे राहुल गांधी का हाल हो रखा।